हर नए साल हम कुछ ना कुछ अपने आप से वादा जरूर करते हैं कि भाई इस साल ये कर देंगे, वो कर देंगे, गाड़ी ले लेंगे, बिजनेसमैन बन जाएंगे, जॉब छोड़ देंगे, पैशन फॉलो करेंगे और न जाने क्या क्या नहीं बोल देते लोग। नया साल आते ही जिम ज्वाइन कर लेंगे, जंक फूड छोड़ देंगे, लेकिन कितनी चीजें कर पाते हैं, कितनी चीजें नहीं कर पाते हैं वो आपको पता है। मैं आज आपको बताने वाला हूं 8 चीजें जो इस साल आपको खुद को बोलनी ही बोलनी है और करके दिखानी, क्योंकि मैं कुछ ऐसा नहीं बताने वाला कि भाई इस साल 500 करोड़ रुपया कमा लूंगा, इस साल मर्सिडीज ले लूंगा, नहीं। बहुत आसान चीजें जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किए जा रहे हो। तो चलिए बात करते हैं क्या है ये जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बस पहली चीज जो आपको अपने आप से बोलनी है इस साल कि भाई मैं एक बुरी आदत छोड़ दूंगा। आप में 1000 बुरी आदतें होंगी, उनमें से एक छोड़ कर देखिए जो आपका मन कर रहा है। एक आदत छोड़िए, जिंदगी बदल जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये छूट सकती है तो और गंदी आदतें भी छूट सकती है। सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं और 1000 तरीके के आप में गलत ऐब हैं, उनमें से एक छोड़ दीजिए जो आपका मन करे, जो आपको लगता है कि हाँ ये छोड़ दूंगा तो ज़्यादा लाइफ पे फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो छोड़ दीजिए। मैं बता दूंगा कि कितना फर्क पड़ेगा आपकी लाइफ पे। दूसरी चीज़, इस साल कोशिश कीजिए एक नई स्किल सीखने की। मैं नहीं बोल रहा कि दूसरा ही पैशन फॉलो कर लीजिए, बस एक स्किल जो आपका मन कर रहा है, आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ आसान है, ये कर लेता हूँ, नहीं आती है, स्विमिंग नहीं आती तो स्विमिंग सीख लो। ऐसा नहीं कि बस कुछ डिजिटली तुम्हें करना है, स्विमिंग सीख लो, हॉर्स राइडिंग सीख लो, कोई नया गेम सीख लो, बस एक स्किल आपको नई सीखनी है। तीसरी चीज़ जो आपको बोलनी है वो ये कि भाई मुझे इस साल एक आदमी और ऐसा मिलेगा जो मेरा दोस्त बनने के लिए ना तड़पेगा। मैं अपने आप को इतना अच्छा इंसान बनाऊंगा कि वो मेरे से आगे से बात करेगा, मैं उसके पीछे पीछे नहीं घूम रहा, उसे मेरे में कुछ अलग दिखेगा, उसे मेरे में कुछ अच्छा दिखेगा और वो मेरा दोस्त बनेगा। एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसके लिए तुम सबसे बढ़कर होगे, जिसके लिए तुम सबसे अच्छे होगे। अगली चीज कि भाई मुझे ये जगह देखनी है। यार देखिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ट्रैवलिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। तो एक ऐसी जगह बना लीजिए, ऐसा नहीं कि भाई मुझे तो मकाऊ मोरक्को ही जाना है, भाई क्या पता पैसे हो ना हो, इंडिया से है, आपके जिले की जगह है, कोई ऐसी जगह कि हाँ यार हर कोई जा रहा है, मैं नहीं गया हूँ, एक बार तो प्लीज़ यहाँ पर जाना ही जाना है। अपने आप को गिफ्ट दे दीजिए, मतलब ये तोहफा आप खुद के लिए तैयार कर रहे हैं। एक बुक इस साल सोच लीजिए, अगर आप रीडर नहीं हैं तब भी, चाहे आप नागराज की कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, चाचा चौधरी पढ़ रहे हैं, मार्वल पढ़ रहे हैं, डजंट मैटर, कुछ बेकार की भी चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको एक बुक पूरी पढ़नी है। बहुत आसान काम है, एक पन्ना भी आप रोज पढ़ते हैं, एक लाइन भी आप रोज पढ़ते हैं तो एक साल में आप पूरी कर लेंगे। बस एक बुक पढ़ लीजिए, जिंदगी बदलती हुई मैं आपको दिखा दूंगा। इस साल एक लेटर लिखना है जिसे आप सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं, उसको सॉरी बोल के देखिए कि भाई यार इस इंसान से ना जिंदगी भर बात नहीं करने वाला हूँ, उसको मैसेज नहीं करना, उसको बाकायदा पूरा लेटर लिखना है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था और गलती अपनी बता कर देखो उसे कि नहीं यार सॉरी मुझे माफ कर दो। एक लेटर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, उस इंसान का नजरिया बदल सकता है, तुम्हारा तो पूरा पूरा बदल जाएगा भाई। बस ये छोटी सी चीजें करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। एक नया फूड ट्राई कीजिए, मैंने नहीं बोला कि वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन बन जाए, ऐसे कुछ नहीं, बस एक नई डिश जो आपने कभी नहीं खाई है इस साल खाइए और उसको बनाइए। देखिए थेरेपी है खाना बनाना भी, तो जो भी आप कुछ नया सा खा रहे हैं कि भाई आपने कोई महाराष्ट्रियन डिश खाई है, कोई बिहार का कुछ ऐसा कुजीन खा लिया है, तो आप उसको बनाने की भी ट्राई कीजिए, खाइए और बनाइए, मज़ा आएगा आपको बहुत ज़्यादा, ज़िंदगी बदलती हुई नज़र आएगी आपको खुद ब खुद। और एक और वादा कि मैं इस बार थोड़ा सा बेटर इंसान बन जाऊँगा। आपको पता आप कितने कमीने इंसान हैं, कितने सुस्त इंसान हैं, कितने अच्छे भी इंसान हो सकते हैं, बस अपने आप से वादा कर लीजिए कि अब मैं थोड़ा अच्छा बन जाऊंगा, थोड़ा सा हल्का सा, और चीज़ें बदल जाएंगी। बाकी आप एक काम और कर सकते हैं, अभी कभी उसके लिए पूरी साल का इंतजार नहीं करना, वो है बस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, जो भी आप वीडियो को देखने के बाद जैसा भी आपका फील आ रहा है वैसा कमेंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कुछ अच्छा ही करें, खराब बुरा जैसा लिखा वो भी आप डाल सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी नहीं भी लगी तो। बाकी अगली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं जो कल आएगी, उसके लिए बस आपको सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन दबा लेना है ताकि जब भी वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। मिलता हूँ कल, तब तक आप सभी को अलविदा।